श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भक्त शिरोमणि एवं संस्कृत के महाकवि श्री जयदेव जी के बारे में हम सब ने सुना है तथा उनके द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद को भी सुना होगा, पढ़ा होगा। आज मैं इसी गीत गोविंद के महिमा और भगवान श्री कृष्ण की श्री जयदेव के ऊपर की गई कृपा के बारे में पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ। गीत गोविंद एक माधुर्य रस है। इसके अष्टपदियों को जो कोई नित अध्ययन एवं गान करता है उसकी बुद्धि पवित्र एवं प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमन जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्री जयदेव जी की पत्नी थी पद्मावती। जब जयदेव जी इसकी रचना कर रहे थे तो पद्मावती प्रेम पूर्वक श्री जयदेव जी द्वारा कथित पदों को लिखा करती थी। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। यह पद श्री जयदेव जी के हृदय में आया पर उसे मुख से कहते कैसे। पद्मावती को इसके बारे में कहते हुए वे संकोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। यही सोचते सोचते आप स्नान करने चले गए। लौटकर आया तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने स्वयं लिख दिया है। इससे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। गीत गोविंद की महिमा की कुछ और कथा इस प्रकार से है। जगन्नाथ धाम का राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका नाम गीत गोविंद रखा, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन किया था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश विदेश में इसका प्रचार कीजिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है, इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। कौन सी पुस्तक असली है यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकों को श्री जगन्नाथ जी देव के मंदिर में रखा गया। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ, अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा की कि तू समुद्र में मत डूब, श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना व्यर्थ है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते हुए गीत गोविंद के 5वें सर्ग को गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वन माली, इस अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी तो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर लड़की पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारी से पूछा, अरे ये क्या, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं। तब स्वयं ठाकुर जी ने सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद के गान की व्यवस्था की।
उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा सर्वत्र यह ढिंडोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों में गान करे। उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराजकर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे है ऐसा ध्यान करके चलता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने प्रभु को घोड़े पर आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, स्वर्ग की देवांगनाएं भी इसका गान करती है। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीचकर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखे हैं। आगे की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती ने कहा, देव स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कराए तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा जाता हूं, क्या करो, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं लगता। यह कहकर उन्होंने पद्मावती को उस गीत का चरण पढ़ के सुनाया, मगर उन्हें अंतिम का शब्द समझ में नहीं आ रहा था कि अंतिम का पद क्या लिखूं। तो उन्होंने कहा, इसके बाद क्या लिखूं कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान करके लौट आइए से और शेष चरण लिख दीजिएगा। अच्छा यही सही, ग्रंथ को और कलम दावत को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूं। जयदेव जी के इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे, बीच से ही कैसे लौट आए। महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दबात ला दिया। जयदेव वेशधारी भगवान ने उस अंतिम पद को कुछ इस तरह से लिखा, देही पद पल्लव मुदारम, यह लिखकर पद की पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पूजादि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देख पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे खा रही हो, तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे, पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे, इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूं। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गए कि आज अवश्य ही एक भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर क्या, अच्छा पद्मा लाओ तो देखे गीत की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ को ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधावल्लभ, हे व्रजांगनाधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल
पद्मा की मनोरथ को पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोककर कहा, नाथ आप मेरा उच्चिष्ट क्यों खा रहे हैं, परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुआ घूमा करते थे। वे गाते गाते जहां भी जाते वहीं भक्त कोमलकांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य है प्रभु, धन्य है भक्त शिरोमणि श्री जयदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।